और दिल्ली में आज से शुरू हुई यमुना आरती, गंगा आरती की तर्ज पर अब रोज होगी पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया पर, मैं हूं सुजाता। संघ विचारक गोविंदाचार्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल बिहार में मिली बीजेपी की हार के बाद बीजेपी के अंदर घमासान मचा है। ऐसे में बीजेपी के चार वरिष्ठ नेताओं ने मोदी शाह की नीति पर सवाल उठाए। इसी मसले पर बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री और संघ विचारक के एन गोविंदाचार्य से लाइव इंडिया ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं आमोद राय। लाइव इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व महामंत्री के एन गोविंदाचार्य जी, जो न सिर्फ महामंत्री हैं बल्कि एक संघ विचारक भी हैं। गोविंद जी, आपका लाइव इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, जिस तरह से बिहार में रिजल्ट आया है और उसके बाद जिस तरह से मतफुटवल शुरू हुआ है, एक केंद्र जो बीजेपी नेतृत्व है उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई है, वो भी टॉप के लीडर्स के द्वारा, क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? स्थितियां अच्छी तो नहीं है, दुखद हैं। सामान्य कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल गिराने वाली स्थितियां हैं। चुनावी हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन ऐसे वरिष्ठ नेताओं का ऐसा बयान आना, इसको केवल आप अनुशासनहीन हैं कि अनुशासित हैं इस घेरे में सोचेंगे तो ये शायद उस विषय के प्रति न्याय नहीं होगा। इसलिए इस पर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं संवाद और विश्वास, इसको बढ़ाने की जरूरत। संवाद की कमी कैसे हो गई? मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और अपने ही घर में संवाद की कमी हो रही है। इस विषय पर मैं तो कुछ भी कहने में अनभिज्ञ होने के कारण लाचार हूँ, मुझे मालूम नहीं है। 15 साल से कोई जीवंत रिश्ता तो है नहीं, कभी कभार किसी मौके पर कहीं भेंट हो जाती है बस, इसलिए मुझे अंदाज इसका नहीं है कि, लेकिन इतना तो साफ है ना, नहीं तो ये सब वरिष्ठ नेता हैं, इनको स्वयं के लिए बहुत कुछ चाहिए ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, बहुत कुछ पा चुके भी हैं, इनके भी मन में कुछ टीस रही होगी तब ये लोग इस हद तक गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी कि इनको पार्टी फोरम पे ना बोलकर एक रिलीज जारी? यही तो बात है, यही बात चिंता की है, आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए इसको एक तरफ से आप देखेंगे तो क्यों बोले, नीचा दिखाने के लिए बोले क्या, ऐसा आप सोचें। दूसरा भी तरीका है कि नहीं नहीं, इनको पार्टी के बारे में इतनी चिंता है और उनको कोई और तरीका अजमाया हो तो हुआ नहीं पूरा, या सूझा नहीं, या जो भी हुआ हो, सुना नहीं जा रहा, पता नहीं, नहीं कहते हैं कि सुना नहीं जा रहा, मुझे मालूम नहीं इसकी कि सुना गया कि नहीं गया, कहा गया कि नहीं कहा गया, ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन दूर से एक जागरूक नागरिक के नाते और खासकर उस पार्टी के बारे में सहानुभूति रखने के नाते, मैं समझता हूँ कि कुछ भी हुआ हो, बीत गई सो बात गई, आगे की सुधर ली। के एन गोविंदाचार्य एक स्ट्रेटजिस्ट, एक महाविचारक के तौर पे क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे मौके पर अमित शाह और उनकी टीम को, क्या करना चाहिए? मैं मानता हूँ कि इसमें भाई हम छोटे हैं, बड़ों का आदर करें, बड़े हैं तो छोटों को स्नेह दें। इस माहौल की पहल के लिए कहीं से भी पहल हो सकती है, और इसमें वैसे देखेंगे तो स्वभावतः जो महामंत्री संगठन होते हैं, जैसे आपको मालूम है सुंदर सिंह भंडारी थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, या बाद में भी रामलाल जी हैं, या और भी सहायक संगठन मंत्री हैं, मेरा ऐसा सोचना है कि वो बेहतर सुविधा की स्थिति में है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, उनका अपना कुछ है ही नहीं, इसलिए उनकी बात का कुछ वजन भी होगा। ऐसी सारी विषम स्थितियों में नैतिक ताकत ज्यादा काम करती है पद की ताकत की तुलना में। आपको नहीं लगता है कि ऐसे में रामलाल जी की भूमिका, या संगठन महामंत्री या मंत्री के तौर पे जो भी लोग बैठे हैं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ती है? मेरा ख्याल है वो ज्यादा सुविधा की स्थिति में है, अगर वे शुरू करते हैं ऐसी बातें तो जल्दी लोग सुनेंगे भी, क्योंकि उनका अपना कुछ हित स्वार्थ तो नहीं माना जाता है। जो सुनने को और देखने को मिलता है कि जो बुजुर्गवार नेता हो गए हैं, जिनको आपने एक छोटा सा सेल बना के उसमें डाला हुआ है, तो उनकी बात को बिल्कुल आप सुनते नहीं, उनके मन में जो पीड़ा है जो कार्यकर्ताओं से मिलता है
उसको उद्गार करने का कहीं मौका नहीं मिला। तो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, मुझे किसी ने ये जरूर कहा, मुझे मालूम नहीं है कि मार्गदर्शक मंडल आदि का कोई भाजपा के संविधान में कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब वो एक सजावट का हुआ, और मेरा ख्याल है कि शायद ये बड़े लोग मानते हैं और होता भी होगा, अधिक से अधिक संवाद, सहभागिता, क्योंकि लाखों कार्यकर्ताओं की त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी एक दो या दस की नहीं है। स्टेट टू वे कम्युनिकेशन, ऊपर से लेकर नीचे जमीनी कार्यकर्ता तक, इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये तो इन सारी घटनाक्रम में से उभरने वाली बात है। ऐसा लग रहा था कि जब एक साल पहले, डेढ़ साल पहले एक वेव चला था कि बीजेपी का जो विजय रथ निकला है इसका घोड़ा कहाँ रुकेगा पता नहीं, डेढ़ साल में ये स्थिति बन गई, ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों होता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, चुनावी जीत या चुनावी हार से वैचारिक आधार वाली पार्टी का आकलन नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरा पहले भी कहना है। जैसे मान लीजिए दो संख्या पर उतर आए थे, इसका मतलब पार्टी खत्म हो गई थी, ऐसा कांग्रेस ने गलती की समझ नहीं की। फिर पार्टी बाउंस बैक करती है, पॉलिटिक्स में ये तो होता है। केवल विजय में हम विनम्र रहें, पराजय में आत्मविश्वास में कमी ना आवे, ये पहली जरूरत है। तो मान लो चुनाव हार गए तो क्या हुआ, दो संख्या पर पहुंच गए थे लोकसभा में, लेकिन संवाद और विश्वास को मजबूत बनाए तभी वो लाखों कार्यकर्ताओं की फौज लोकसभा राज्यसभा में संख्या विधानसभा में कम होने के बाद भी मुद्दों और मूल्यों पर डटती है, जूझती है, उनके आधार पर भारत का भविष्य बनता है। गोविंद जी, ऐसा जब चिट्ठी आया मार्गदर्शक मंडल की तरफ से कि इसमें इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके उत्तर में जो चिट्ठी वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी की तरफ से जो जारी किया गया, पूर्व अध्यक्षों की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से, उसमें कहा गया कि नहीं, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इंडिविजुअल की बात नहीं होती है, क्या ये बात उत्तर सही था? दोनों पहलू सही है। जैसे संगठन में हर कार्यकर्ता का महत्व है, लेकिन कोई कार्यकर्ता अपरिहार्य नहीं है। एवरी वर्कर इज इम्पॉर्टेंट, नो वर्कर इज इंडिस्पेंसेबल। उसी तरह से ऐसी विषम स्थितियों में मेरा सुझाव है कि गुण देखें दूसरों का, दोष देखें अपना। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में गुण देखें दूसरों का, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी में दोष देखें अपना। अमित शाह अगर इसकी जिम्मेवारी लेते, क्योंकि चेहरा वही थे और मोदी जी थे, अगर जिम्मेवारी लेते तो उनका कद बढ़ता कि छोटा होता? ये तो अपनी अपनी बात है भाई, इसमें कोई दूसरा किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति को स्वयं के प्रति कठोर, अन्यों के प्रति उदार, इसी को मैंने कहा कि गुण देखें दूसरों का, दोष देखें अपना। ये माहौल, ये इंतजाम, ये आचरण, इसी से सामूहिक नेतृत्व बनता है और एक टीम स्पिरिट बनती है। टीम कार्य प्रणाली ही सबसे शास्त्रोक्त प्रणाली है, क्योंकि हर व्यक्ति गुण दोष का पुतला है। संपूर्णता की संभावना किसी एक व्यक्ति में हो भी नहीं सकती। हाँ, अनेक अपूर्णांक हैं, मिलकर पूर्णांक इंटीजर बन सकते हैं टीम के नाते से। अगर आपसे मैं कहूँ कि मैं, मुझे आप अमित शाह मान लीजिए, और मैं आपसे कहूँ कि गोविंद जी इसमें सजेस्ट कीजिए कि क्या करना हो, आप क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपने जो भी वरिष्ठ बड़े लोग हैं सबसे मिलिए, सबसे पूछिए, सबकी राय भी लीजिए, और फिर इकट्ठा सबको बिठाइए, फिर इकट्ठे निर्णय करिए। आप खुद निर्णय मत करिए, आप परामर्श करिए, सबको निर्णय में सहभागी बनाइए। ये पहल आप और महामंत्री संगठन, ऐसे लोग मिलकर करेंगे तो बातें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि बात संवाद और विश्वास से बनेगी। आपकी नज़र में जो बिहार लूज किए, हारे, उसमें सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या था, कहाँ चूक हुई इनकी, बीजेपी वालों की? इसका मुझे कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिहार को जानते हैं? हाँ भैया, लेकिन मैं जब बिहार को चुनाव के संदर्भ में जानता था तो आखिरी तो 15 साल पहले 2000 वाला चुनाव था। इस 15 साल में गंगा इतनी बह चुकी है, नदी इतनी बदल चुकी है, इसलिए क्या क्या और फैक्टर्स है। जैसे 2000 में सोशल मीडिया का विशेष रोल नहीं था, 2000 में धनबल का इतना प्रयोग नहीं था, 2000 में अन्य पार्टी से उधारू लोगों को लेने की उतनी आम रिवाज नहीं था,
एक्सेप्शनल थे। अब चुनावों का व्याकरण, चुनावों का समीकरण इतना बदल गया है, इसलिए मैं कई बार उसमें अपने को कॉल आउट ऑफ डेट, काल बाह्य मानूंगा। लेकिन इसमें मैं आप ये पूछना चाहता हूं कि मोहन राव भागवत को ये कजारा, उनका जो बयान आया आरक्षण को लेके, वो बड़ा समय उसका ठीक नहीं था और उसकी वजह से बड़ा पार्टी को नुकसान हुआ, आप मानते हैं क्या कि इससे नुकसान हुआ होगा इतना? हम मानते हैं, देखिए मान लो कोई दूसरा कुछ बोलता उसका असर पड़ता, केवल मोहन राव की ही नहीं, अरे किसी विषय पर, किसी विषय पर, अब सीबीआई का आईएसआईएस में कुछ हो जाए। देखिए इस तरह से चुनावों को नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत, उनका काल अक्षित तो 50 साल का है, वो तो बयान दिया बोलते समय ये थोड़े ध्यान रखेंगे कि किस प्रांत में कौन सा चुनाव चल रहा है, इसलिए चुनाव के संदर्भ में उनकी बात का आकलन, तो उनकी बातों को अपनी बचाव के लिए यूज किया जा रहा। मैं इतना भी आरोप क्यों लगाऊं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि उस समय के राजनीतिक वातावरण में मोहन राव भागवत जी ने अलग संदर्भ में कुछ कहा होगा, लेकिन वहां के राजनीतिक भाजपा के विपक्षियों ने इस विषय को अपने ढंग से बढ़ा चढ़ाकर भुना लिया और उनको रोकने में या प्रतिकार करने में एनडीए वहां पर कामयाब नहीं हुआ। ये तो उन दोनों के बीच की बात हुई। बिहार में इस बार चुनाव में एक बड़ा अजब सा मुद्दा उछला, बिहारी वर्सेस बाहरी, ऐसा क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों ही एक प्रदेश से आते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? मुझे इस पर मालूम नहीं है, इसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी नहीं मालूम है। ऐसे तो मुद्दे सब दोनों लोग वार करते हैं, अपने अपने मुद्दे उठाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जितना संभव हो चुनाव प्रक्रिया में आपस का शिष्टाचार बना रहे और जो भी हम प्रचार करें उसमें मन को आघात ना हो, इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। इस बार के चुनाव में कुछ प्रचार में का स्तर घटा है, वो चिंता की बात है। जैसे पाकिस्तान में पटाखा फूटेंगे या एक दूसरे पे कड़े आरोप लगाए गए, ये सब जैसे मैं तो एक ही बात जानता हूँ, बाकी तो मैंने गौर नहीं किया। चुनाव के अंत में मैंने सुना, छोटा सा पोस्टर भी कहीं गाय के बारे में देखा। मैं कहता हूँ भाई इतना नहीं, गाय को आप राजनीति सत्ता आजकल इस्तेमाल मत करिए, गाय राजनीतिक पशु नहीं है, गाय का कृषि से, पर्यावरण से, विज्ञान से, स्वास्थ्य से बहुत संबंध है, उसको आप सस्ती राजनीति में उलझाइए मत, उससे देश का नुकसान, समाज का नुकसान। एक सवाल अभी बीच में ये उठ गया, जैसे मार्गदर्शक मंडल के नेताओं ने अपनी बात मन के उद्गार को सामने रखा तो कहा गया कि कहीं से एक कोने से भी आवाज उठा कि उनके ऊपर ये होना चाहिए कार्रवाई। लेकिन मैंने सुना कि नितिन गडकरी जी ने ऐसा कुछ कहा था, और नितिन गडकरी जी ने ही अभी शायद आज ही कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा प्रश्न वो नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि अगर इस तरह के माहौल में असहिष्णुता का पूरा कैंपेन चल रहा है और पार्टी के अंदर इस तरह का माहौल बनता है तो इससे तो कैसे निजात मिले बीजेपी को? इसका उपाय वही है, देखिए आप बड़ी लकीर खींचिए, आप ऐसी आरोप प्रत्यारोपों की बजाय सौहार्द सौमनस्य के लिए पहल करिए तो बात बन जाएगी। सामान्य कार्यकर्ता तो वही चाहता है, जमीनी कार्यकर्ता वही चाहता है, उसको कौन कुर्सी पर बैठना है, वो तो चाहता है कि भैया इस पार्टी से गरीबों का भला हो जाए, अंतिम आदमी का भला हो, देश की सार्वभौमता, देश की सुरक्षा, अखंडता बनी रहे, 50-60 साल से कई समस्याएं अनुत्तरित हैं वो ठीक हो जाए। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि इसमें संघ को इंटरवीन करने की जरूरत है या करेगा? मेरा अनुमान है मैं कि संघ के अपने अधिकारी वो भी परेशान होंगे, चिंतित होंगे, और संवाद और विश्वास बढ़ाने की पेशकश में उनके भी कुछ लोग लगे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कहता कितना हुआ है, हो रहा है, इसकी जानकारी मैंने लेने की कोशिश भी नहीं की। गोविंद जी, लाइव इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास पेशकश में इतना ही, मुझको इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते रहे हैं गोविंदाचार्य, और आज भी उन्होंने पार्टी को कई तरह की सलाह दी है। खबरें अभी और हैं, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद।
अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं, पर अच्छा खाएं। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। कैसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI प्रोजेक्ट, adjacent to F1 बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स, मोर लाइफ मोर स्टाइल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। असहिष्णुता से जुड़े सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछा विदेशों में भी नहीं छोड़ रहा। तमाम घटनाओं का हवाला देते हुए देश में लगातार प्रधानमंत्री से जवाब मांगे गए, लेकिन मोदी ने इस गंभीर मसले पर बोला लंदन में और उस बयान पर भी देश में बवाल मच गया। दादरी हिंसा से जो चिंगारी भड़की थी वो टीपू सुल्तान तक विवाद के शोले बन चुकी है और सवालों के कटघरे में खड़ी है केंद्र की मोदी सरकार। विपक्ष एकजुट होकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहा था। इस बीच पीएम लंदन के लिए उड़ गए, लेकिन वहां भी असहिष्णुता से जुड़े सवालों ने मोदी का पीछा नहीं छोड़ा। भारत ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है, भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो संविधान के तहत सामान्य से सामान्य नागरिक के जीवन को, हर प्रकार की सुरक्षा, उसके विचारों की रक्षा उससे प्रतिबद्ध है और इस काम पर हम कमिटेड हैं। लंदन में दिए मोदी के इस बयान पर देश में बवाल खड़ा हो गया और कांग्रेस ने इसके लिए अलग तराजू ही बना डाला। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि पीएम मोदी दोहरी बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कल का कथन सही रूप में एक दोहरी भाषा, दोहरी जबान थी और उसको राजनीतिक रूप में हिपोक्रेसी या पखंड हम कह सकते हैं, जिन्होंने कहा कि वो असहनशीलता को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते। असहिष्णुता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का इंतजार सारा देश कर रहा था और बयान सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे पाखंड बता दिया है। यहां से कई तरह की बहस शुरू हो गई है। क्या पीएम मोदी दोहरी बातें करते हैं? क्या असहिष्णुता पर मोदी का बयान पाखंड है? जाहिर है ये सवाल काफी अहम है और इनकी गूंज देश की राजनीति में लंबे समय तक सुनाई देगी। शादाब अहमद सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन में है और यहां उनका शानदार स्वागत भी किया गया, तो दूसरी ओर ब्रिटिश मीडिया लगातार मोदी पर निशाने साध रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने जहां साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर असहिष्णुता को लेकर सवाल दागे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द गार्जियन ने लिखा है कि भारत में हिंदू तालिबान का राज है। दूसरी ओर मोदी पर द टेलीग्राफ ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि जिस मोदी पर ब्रिटेन और अमेरिका में प्रतिबंध था, आज उसका शानदार स्वागत हो रहा है। साथ ही 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र किया गया है। पीएम मोदी को लेकर ब्रिटिश मीडिया भले ही कई सवाल उठा रहा हो, लेकिन मोदी को लेकर ब्रिटेन में गजब का क्रेज भी दिख रहा है। वेम्बले में पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है, तो इससे पहले पीएम मोदी आज ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से मिलने पहुंचे। बर्किंगहम पैलेस में पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उनके साथ थे। वहीं पीएम मोदी आज अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं।
जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पीएम मोदी वेम्बले स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इस स्टेडियम में करीब 60,000 लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में मोदी को सुनने के लिए लोग स्टेडियम में आने भी लगे हैं और मोदी मोदी के नारे भी सुनाई देने लगे हैं। ब्रिटेन की संसद में प्रधानमंत्री ने शानदार भाषण दिया। इसकी तारीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी की है। उमर ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के संसद में शानदार भाषण दिया है, हमें इस पर गर्व क्यों ना हो। उमर अब्दुल्ला वैसे वक्त वक्त पर मोदी पर निशाने साधते रहते हैं, लेकिन उनके भाषण की तारीफ की है और कहा है कि हम इस पर गर्व क्यों ना करें। बात अब बिहार की राजनीति की। वैसे तो लालू प्रसाद पर परिवारवाद के आरोप कई बार लग चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। फिलहाल सवाल यह है कि आरजेडी विधायक दल का नेता कौन बनेगा। इसे लेकर आज पटना के मौर्य होटल में बैठक भी हुई, जिसमें आरजेडी के 80 में से 79 नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। माना जा रहा है कि आज की बैठक में विधायक दल के नेता के तौर पर तेजस्वी का नाम फाइनल कर दिया गया है, लेकिन अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 46 विधायकों ने तेजस्वी के नाम का समर्थन किया है। उन विधायकों ने तेजस्वी यादव के नाम का प्रस्ताव रखा है, जबकि 33 विधायक चुप रहे। इस सब सहमति से कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता का चुनाव विधानमंडल में विधायक दल में, इसका चुनाव के लिए मुझे लोगों ने अधिकृत कर दिया नामित करने के लिए। हम नॉमिनेट करेंगे और यह अधिकृत मुझे हुआ। बिहार चुनाव में बड़े बड़े दावे करने वाले पप्पू यादव ने दावा किया था कि लालू के बेटे अगर जीत गए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन बिहार चुनाव में मिली शानदार जीत जो लालू को मिली है, उसके बाद पप्पू यादव अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने लालू से माफी मांगी है, ट्वीट किया है, भूल को स्वीकारा जाना चाहिए। फेसबुक पर लिखा है, वैसे भी जाने अनजाने में की गई गलतियां ज्ञात होने पर मुझे कचोटती हैं, सूखा रोकती तक मन को शांति नहीं मिलती। चुनाव प्रचार के दौरान दावे प्रतिदावे किए जाते हैं। ये सच है कि मैंने चुनाव में लालू प्रसाद जी के दोनों पुत्रों की हार की बातें कही थी। नहीं हारने की स्थिति में हमने राजनीति से संन्यास तक लेने की बात कह दी थी। निश्चित तौर पर मेरा ये दावा अमर्यादित था। किसी भी राजनेता पुत्र के संबंध में ऐसी बातें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अपने अमर्यादित दावे को लेकर मैं आहत हूं और आप सबों से खेद व्यक्त करता हूं। आपको बता रहे कि पप्पू यादव ने सियासी विरासत को लेकर ही आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। इधर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि अगर पार्टी चाहेगी तो महबूबा मुख्यमंत्री बन सकती हैं। मोहम्मद सईद का कहना है कि अगर उनकी जगह उनकी बेटी राज्य की कमान संभालती है तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है। मुफ्ती सईद ने साथ ही कहा कि असल काम महबूबा मुफ्ती ही करती हैं, वो सिर्फ भाषण देते हैं। रुक रहे हैं एक और छोटी से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौट रहे हैं। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों, एक्सपर्ट है ना कॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। कॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। तो MDH मसालों का कमाल है सर। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। MDH रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइकुंठ हॉल फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं नहीं नहीं, आप यू टर्न लीजिए।
पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियो कॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, फ्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ एक रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Introducing two new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों से आज दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की और उनकी मांग का समर्थन किया। दरअसल पूर्व सैनिक ओआरओपी के लिए अधिसूचना जारी से नाराज है। टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जयंती के विरोध में कर्नाटक में विवाद अभी भी जारी है। भाई दूज पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से उनकी बहनें मिली। सीबीआई ने छोटा राजन की दोनों बहनों को मिलने की इजाजत दे दी। एनसीबी नेता छगन भुजवाल और उनके परिवार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ईडी ने भुजवाल और उनके परिवार से जुड़े लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 160 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी ना खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पीएम मोदी ने की क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात, लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने किया मोदी पर तीखा हमला, कहा मोदी रह चुके हैं अछूत और अस्वीकार्य नेता। ब्रिटेन में असहिष्णुता पर मोदी के बयान पर कांग्रेस का हमला, मोदी विदेश में करा रहे हैं देश का अपमान। उमर अब्दुल्ला का बयान, मोदी के अच्छे भाषण की भी हो तारीफ। असहिष्णुता पर सरकार बैकफुट पर आई, संसद में बहस को तैयार। वेंकैया नायडू का बयान, विपक्ष दिखाए सहिष्णुता। लालू चुनेंगे आरजेडी विधायक दल का नेता, तेजस्वी को ज्यादातर विधायकों का समर्थन। महागठबंधन के नेता के लिए आरजेडी ने नीतीश के नाम पर जताई सहमति। वरिष्ठ नेताओं पर दिए बयान से पलटे, नितिन गडकरी कहा कार्रवाई की नहीं की कोई बात। लाइव इंडिया से बोले गोविंद आचार्य, गाय को सियासी मुद्दा बनाना गलत। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हो सकती हैं जम्मू कश्मीर की नई सीएम, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिए पद छोड़ने के संकेत। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों को केजरीवाल का समर्थन, प्रदर्शन में शामिल हुए केजरीवाल।
जंतर मंतर पर लंबे समय से पूर्व सैनिकों का आंदोलन है।